इंद्र जी नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, प्रणाम। देवेंद्र जी, आप एक गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर भी रहे हैं और मैं चाहूंगा कि शरीर में तकलीफ होने के बावजूद भी आप अपने फिटनेस रूटीन को जिस प्रकार से मेंटेन किया है और जिस प्रकार से आपने दुनिया में भारत का झंडा फहराया है, तो जरूर आपसे देश कुछ सुनना चाहेगा और मैं भी सुनना चाहूंगा। बिल्कुल, जब मेरी 9 साल की उम्र थी तो बिजली का करंट लगने से मुझे हाथ गंवाना पड़ा और मुझे ऐसा लगा कि जब हॉस्पिटल से मैं निकल रहा था तो ऐसा लगा कि मैंने सब कुछ खो दिया मेरी लाइफ में। लेकिन जब मैं घर पे पहुंचा तो माता जी ने कहा कि जाइए बाहर खेलिए आप। तो मैंने कहा कैसे खेलूं, अब मेरे तो हाथ ही नहीं है। लेकिन माता जी ने कहा कुछ नहीं बिगड़ा आपका, आप बाहर निकलिए, खेलिए बच्चों के साथ, आप भी औरों जैसे ही हैं। तो मैंने उस दिन घर से बाहर निकल के सोचा कि मैं कमजोर नहीं कहलाऊंगा, मैं सबसे फिट बन के दिखाऊंगा। उसके बाद खेल की शुरुआत की और 2 बार गोल्ड मेडल लिया पैरालंपिक्स में, 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया मैंने। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो फिट इंडिया जो अभियान चला है 1 साल में, हमें बहुत खुशी है। और सबसे बड़ी बात ये मानता हूँ कि जिस हिसाब से स्वच्छ भारत अभियान चला था घर घर तक, वैसे ये फिट इंडिया जो अभियान है वो भी घर घर तक पहुंचा है। मैं मानता हूँ 5 साल से लेकर के 80 साल तक के बच्चे भी इसमें, बुजुर्ग भी सभी शामिल हैं। मेरी माता जी की एज 80 साल है, वो भी मॉर्निंग में टहलने जाती है कि मैं भी फिट बनूंगी। तो ये जो हमारा फिट इंडिया अभियान है, बहुत ही बड़ा अभियान है ये और हर व्यक्ति इससे जुड़ा है 1 साल में। देवेंद्र जी, मैं जानता हूँ कि जब आपका इतनी बड़ी इंजरी हो गई, आपका एक हाथ एक प्रकार से चला गया और उसके कई परेशानियां आपने झेली। मैंने सुना है कि आपने तो बिल्कुल रिटायरमेंट होने के लिए भी सोच लिया था, तो क्या आपको अपनी फिटनेस को रिगेन किया और कई मेडल भी जीते जैसा आपने बताया? मैं जानना चाहूंगा, देश जानना चाहेगा, ये कैसे संभव हुआ? मेरा ये मानना है कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब शोल्डर में बहुत बड़ी इंजरी हुई तो मैंने खुद ने सोचा कि रिटायरमेंट ले लूं, लेकिन मन में ये है कि नहीं, इसको ठीक करूंगा मैं। आपके अंदर सबसे पहले खुद पे कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। तो मैंने अपने आप पे विश्वास किया कि मुझे ये ठीक करनी है। उसके लिए मैंने बहुत एक्सरसाइज की। आज भी मुझे 1 घंटे सिर्फ हाथ की शोल्डर की जो इंजरी है उस पर 1 घंटे देना पड़ता है, वो अलग से टाइम निकाल रखा है मैंने। और मैं मानता हूं कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। किस प्रकार से शोल्डर की एक्सरसाइज कैसे करते हैं, थोड़ा दिखा दीजिए। मैं अलग अलग करता हूं, जैसे ये एक्सरसाइज करता हूं, ये एक्सरसाइज करता हूं, अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज। जिस हाथ को इंजरी हुई है वहां क्या कर सकते हैं? वहां ये शोल्डर में इंजरी हुई थी, इसके लिए अलग अलग एक्सरसाइजें रहती है मेरी शोल्डर से, जैसे थेराबैंड एक्सरसाइज। वो आपका हाथ ऊपर होता है, जो इंजर हाथ है वो ऊपर होता है? नहीं, ये भी हाथ ऊपर होता है मेरा। हाँ, बताइए। तो इसके लिए मैं अलग अलग एक्सरसाइज करता हूँ। जैसे किसी टाइम में थेराबैंड तो मेरे पास नहीं थी, लेकिन मैं ट्यूब से भी एक्सरसाइज करता था। साइकिल ट्यूब लेके आते थे, हम खरीद के लेके आते थे, उससे एक्सरसाइज करते थे, क्योंकि उस टाइम में मेरे पास संसाधन बहुत कम थे। चलिए देवेंद्र जी, आपने तो एक बड़ा प्रेरक काम किया है और लोगों का हौसला भी बुलंद किया। और जब आपने बताया कि आपकी माता जी आज 80 साल की उम्र में भी टहलने जाती हैं, ये अपने आप में माँ के आशीर्वाद आप पर भी बने हैं। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं।